जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और अगर 20 लाख रुपए या उससे कम का लोन है, एनबीएफसी कंपनी का है, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस का है, या फिर बैंक का है, या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस चुके हैं और अब आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपको मदद कर सकता है आपके लोन के जो भी जाल में या ट्रैप में आप फंस चुके हैं उस ट्रैप से बाहर निकलने में। तो हाल फिलहाल में जिनका भी लोन 20 लाख से कम का है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी लोन के इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे लोग आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोन के ट्रैप में फंस जा रहे हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी लोग इस दलदल में फंसते ही जाते हैं, गड्ढे में गिरते जाते हैं। काफ़ी लोग जब संभलते हैं तब तक देर हो चुकी होती है, या फिर काफी लोगों के पास ऐसी समस्या आ जाती है कि वो चाह के भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सभी समस्या है और इन सभी का हल आपको मिलेगा आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। तो यहाँ पर हम लोग मेनली लोगों को बताते हैं और गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपने लोन को खत्म कर सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो अगर आपका लोन 20 लाख से कम का है, मल्टीपल जगह से लोन लिया है, तो आखिर ये लोन होता कैसे, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। तो सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि आखिर लोन कैसे हो जाता है। अगर आप एक यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड या एक कंपनी से लोन लेते हैं 10,000 का, और अगर आपके पास इनकम नहीं है या कहीं से इनकम आने का सोर्स कभी के लिए बंद होता है या जॉब जाती है, बिजनेस थोड़ा डाउन होता है, तो उस 10,000 के लोन को भरने के लिए फिर आप 20,000 का लोन लेंगे, फिर उस 20,000 के लोन को भरने के लिए फिर आप 40,000 का लोन लेंगे। इस तरीके से जो आपका लोन है वो मल्टीपल होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं, गड्ढे में ऑलरेडी गिर चुके हैं। ऐसे में काफी लोग घबराते हैं, टेंस हो जाते हैं, उनको डर लगता है रिकवरी एजेंट के उनको कंपनी केस करेगी कि नहीं करेगी, तो इन सभी चीजों का उनके मन में हमेशा से सवाल होता है। तो उन सभी सवालों का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। इससे पहले जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से यही अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो अगर आपको भी लोन के इस दलदल से या इस दलदल से बाहर निकलना है, इस लोन ट्रैप से आपको बाहर निकलना है, तो उसके लिए कुछ सख्त कदम आपको उठाने पड़ेंगे और पेशेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपने किसी के साथ कुछ फ्रॉड नहीं किया है, ना ही आपने कोई क्राइम किया, तो ना ही आप क्रिमिनल हैं, ना ही आप फ्रॉडस्टर हैं। बस आपने एक गलती ये की है कि लोन उठा लिया और उसके दलदल में आप फंस गए। ये सिर्फ और सिर्फ एक भूल है और सिर्फ एक गलती है। लेकिन इस गलती से अगर आप सुधार करना चाहें तो इसका मौका हर किसी के पास होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको सुधार ना कर सके। हर कोई सुधार कर सकता है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इस गलती को ठीक वापस से किया जा सकता है। अगर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनके पास अभी बिल्कुल भी जॉब नहीं है, तो उनके लिए मैं सबसे पहले सुझाव देना चाहूँगा कि वो क्या कर सकते हैं इस केस में। अगर उनके पास 10 लाख रुपए का, समझिए 2024 के अंदर में 10 लाख रुपए का लोन है, कंपनी का काफ़ी प्रेशर है, तो कंपनी को आप रोक सकते हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए, और रोकने के बाद उनको लोन को सेटल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं तो कोई दूसरा अदर ऑप्शन भी फिर नहीं होगा। तो ऐसे में कंपनी कैसे रुकेगी, कंपनी के जो कॉल्स आते हैं, जो मेल्स आपको करने हैं, वो कैसे करेंगे, कैसे कंपनी रुकेगी, तो इसके लिए अगर आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया हुआ है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको खुद से ही मेल बनाना आता है तो आप मेल बना के कंपनी को सेंड कीजिए, कंपनी से लगातार आप संपर्क में रहिए और उनको बताइए अपनी जो प्रॉब्लम है, जो आप फेस कर रहे हैं, और उन्हीं से बताइए कि सॉल्यूशन इसका जल्द से जल्द दे। ये रिकवरी एजेंट्स के जरिए या कॉल्स करके, जो कॉल एजेंट्स हैं उनके जरिए जो आपको डराने धमकाने का काम करती है कंपनियां, वो अब धीरे धीरे करके कम होगा और धीरे धीरे करके बंद भी होने वाला है, क्योंकि इसके रिलेटेड काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुकी हैं। कंपनियों को समझ में आ गया है कि उनका ये जो खेल है वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, इसी वजह से वो अब इन सभी चीज़ों से दूर भाग रही है और लोगों को जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की तरफ भी कुछ कंपनियां बढ़ रही हैं, बाकी कंपनियां बढ़ नहीं रही। कोई भी बैंक या कंपनी यही चाहती है कि उसका पैसा भाई मिले, कोई व्यक्ति उसका पैसा लेके भाग रहा नहीं है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जानबूझ के उसका पैसा नहीं दे रहा।
हर कोई चाहता है कि पैसा देकर और लोन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। और मैं भी यही बोलता हूँ कि अगर पैसा है, करोड़पति आदमी है आप, तो जरूर से जरूर दे, और अगर नहीं है तो फिर कोई दूसरा अदर ऑप्शन भी नहीं है। आपको बैंक के साथ समझौता करना होगा, कंपनी के साथ समझौता करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, बातचीत को आगे बढ़ानी होगी। अगर बातचीत चलती है, ठीक से सब कुछ चल रहा है तो ठीक है, अगर किसी कारण से नहीं चल पाती, वो लोग अगर गिर जाते हैं, अगर वो आपके कॉन्टेक्ट पे कॉल कर देते हैं, अगर वो घर पे आके आपके आपको बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे केस में आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, प्रूफ्स रखने हैं। कॉल रिकॉर्डिंग पे गाली देते हैं, उसके प्रूफ रख लीजिए, घर पे आते हैं उसका रिकॉर्ड कर लीजिए। तो इन सभी प्रूफ्स के जरिए आप उनके खिलाफ RBI का एक बार दरवाजा ठकठका सकते हैं और वहां पे उनके खिलाफ कंप्लेंट डाल सकते हैं कि आखिर ये कंपनी मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है, मैंने सिर्फ लोन लेके वो भी अनसिक्योर लोन लिया है, तो कभी भी आपकी संपत्ति जब्त नहीं होने जा रही और हो सकता है कि आपके नाम बड़ी संपत्ति नहीं होगी। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बड़ी संपत्ति नहीं होगी, और अगर है भी तो संपत्ति वगैरह आपकी जब्त नहीं होगी। आप एज यूजुअल जो वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उस पे से आपको हटाया नहीं जाएगा, वो जॉब आपकी कंटिन्यू रहेगी, भले ही वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। किसी भी कंपनी में इतना ये नहीं है कि वो उसको हटा सके, या अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो आप जॉब आगे चल के ढूंढ भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उनके बारे में जो लोन को क्लोज करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ समय चाहिए। तो देखिए, अगर आप भी लोन को क्लोज करना चाहते हैं और आपको कुछ समय चाहिए, तो कंपनी इतनी जल्दी समय देने के लिए तैयार नहीं होती, वो पेनल्टी काफ़ी हैवी लगाती है। पेनल्टी को लेकर काफ़ी लोग मुझसे डिस्कशन ये करते हैं कि इतना ज़्यादा पेनल्टी चार्जेस हो चुका है कि हम चाहेंगे भी तो इतना पेनल्टी चार्जेस भर नहीं पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब आपके पास स्थिति हो, मान के चलिए 10,000 का आपका लोन था, वो अब आगे 6 महीने बाद 15,000 का हो चुका है, तो अब उस 15,000 को आप भरना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि जो 10,000 था तो 11,000 तक मैक्सिमम आप भरें और लोन को क्लोज करें। तो ऐसे में कंपनी को आप ऑफर कर सकते हैं कि आपका जो पेनल्टी है उसको हटा दें और बाकी जो आप अमाउंट है वो देने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे भी करके आप उनका पेमेंट करके लोन को क्लोज कर सकते हैं 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद। ऐसे में कंपनी परेशान करती है, कंपनी तंग कर रही है, आपसे अब हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, वहां पे भी हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे कंपनी को हैंडल करना है और क्या वगैरह मेल वगैरह करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने काफी वीडियोस ऑलरेडी बना भी रखी है, और आप चाहे तो व्हाट्सएप के जरिए जुड़ भी सकते हैं, या अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप उनको मेल वगैरह भी कर सकते हैं। कंपनी मेनली क्या करेगी, कभी भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको डिफॉल्टर घोषित कर सकती है। डिफॉल्टर घोषित करने का मतलब ये होता है कि आपका जो सिविल है वो हमेशा हमेशा के लिए कम कर देना। सिविल कम करने से फिर फ्यूचर में लोन, किसी भी तरीके का लोन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, या मैं एक शब्द में कहूँ तो फिर किसी भी कंपनी से अदर लोन आपको नहीं मिलेगा अगर आप एक बार डिफॉल्ट कर जाते हैं तब। लेकिन इसकी मतलब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल हो गए, आपके ऊपर केस हो गया। अगर आप कंपनी से बातचीत जारी करते हैं, उनको सारी जानकारी अपनी दे देते हैं मेल के जरिए, तो 99.99% चांसेस है कि आपके ऊपर कंपनी केस करने नहीं जाएगी और ना ही आपको कभी भी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि कंपनी कहीं आपको समझे कि ये व्यक्ति पैसा खाने के चक्कर में है, तो इस पे चलो लाओ केस डाल दें। तो ऐसा गलती से भी नहीं करना है, एक बार कंपनी को मेल करके छोड़ देना है ताकि प्रूफ हो जाए और कंपनी को भी पता चल जाए कि आपके पास अभी स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है, जिस वजह से आप पेमेंट उनका कर नहीं पा रहे हैं। ये मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, भले ही वो NBFC हो, बैंक हो, या क्रेडिट कार्ड का आपने लिया हो लोन, या कोई भी अदर तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने लोन उठाया है, ठीक है। यहाँ तक तो लोन की समस्या तो आती है, हर किसी के ज़िंदगी में आती है, और ये एक ऐसा गड्ढा है जिसमें अगर आप गिरे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है और अपने रास्ते पर कठोर से चलते रहना। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे वैसे वैसे जो लोन का सफ़र है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगा, भले ही सेटलमेंट करके हो या टाइम के बाद फुल पेमेंट करके हो, लेकिन ये सफ़र बहुत ही जल्द ख़त्म ही होगा और थम भी जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप चलते रहिए, रुकिए नहीं, ज़िंदगी का सफ़र है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो आप हमेशा चलते रहिए। जो सही राह पे चलेंगे तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब के सब अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय